विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत नवंबर 1963 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैकडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास अमेरिका निर्मित थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र ERLS से प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 4/10/1957 स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह। 3/11/1957 स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह। 18/12/1958 स्कोर अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह। 4/10/1959 टूना 3 पहला अंतरिक्षयान जिसने चंद्रमा की उस पृष्ठ चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। 12/4/1961 स्टॉक 1 मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12/11/1961 में किया। 4/12/1963 स्टॉक 6 पूर्व सोवियत संघ के वेलेंटाइना रिस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। 6/4/1965 टेलसेट व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह। 16/11/1965 वेनेरा 3 पहला अंतरिक्षयान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। 21/10/1968 टूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान। 14/11/1969 सोयूज 4 सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र। 16/7/1969 पोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एडविन एल्डरिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। 19/5/1971 मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना।